अस्सलाम वालेकुम जी। आप देख रहे हैं DNN और आज जरा एक अजीब से टॉपिक पे बात करेंगे। ऑब्वियसली वो मेरी डोमेन में नहीं आता, आई एम नॉट अ क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट और अ साइकोलॉजिस्ट, लेकिन स्टिल क्योंकि एक कॉमन डिनोमिनेटर है बाइपोलर डिसऑर्डर और आजकल इसका तस्करा बहुत हो रहा है। जो एक हिंदुस्तानी एक्टर बॉलीवुड के सुशांत सिंह राजपूत, उनकी सुसाइड के हवाले से, उनकी खुदकशी के अमल के बाद जो बातें आई और वो बाइपोलर डिसऑर्डर के कोई डायग्नोसिस की भी बात हुई कि तशखीस हो चुकी हुई थी ऑलरेडी। सो इस पे ऑब्वियसली मैं ये नहीं कहूँगा कि आई एम द अथॉरिटी, बट एक हम बेसिक पैराडाइम में ज़रूर बात करेंगे। और ऑब्वियसली दिस इज़ ए डोमेन जो कि क्लिनिकल साइकियाट्रिस्ट बेहतर आपको डील भी करेगा और आपको बेहतर तशखीस भी करेगा और बेहतर तरीके से एक तरतीब में रहते हुए आपको जो ट्रीटमेंट है और आगाही भी देंगे और ट्रीटमेंट भी आपका करेंगे, यानी कि अद्वियात भी आपको देंगे। सो बात अगर हम करते हैं बाइपोलर डिसऑर्डर की, तो पहले तो आए जी एक ये फेमस लोगों को ये मसाइल क्यों होते हैं। बहुत सारे ऐसे सुपरस्टार्स गुजरे हैं, मिरेकलस लोग गुजरे हैं जिनको बाइपोलर डिसऑर्डर की तशखीस की गई। उसमें एक फिनोमिनल मॉड्यूल होता है जी, जो कि शायद एक कॉमन इंडिविजुअल जो है, जो जिसको हम कहते हैं वाइट कॉलर इंडिविजुअल्स, वो शायद उसको उस तरह महसूस ना कर पाए। बीइंग अंडर द स्पॉटलाइट एक प्रेशर होता है। अगर आप कैमरे के सामने आते हैं और आप एक सेलिब्रिटी हैं या आपको लोग जानते हैं और पहचानते हैं, तो आप में एक सबलिमिनल जो हमारा लाशौरी माइंड होता है, उसमें कॉग्निटिवली यानी कि जो आपका मेन थिंकिंग है, जो मेन सोच है, उसमें शायद आपको शुरू में थोड़ा सा हाई भी मिलता है। आप फेमस होते हैं, आप अच्छा महसूस करते हैं, लोग आपको देख रहे हैं, एक इम्पोर्टेंस आती है, एक सेल्फ इम्पोर्टेंस आती है। इसमें कतन नार्सिसिज्म की बात नहीं हो रही, यानी कि आप अपने आप को पसंद कर रहे होते हैं या खुद पसंदी की बात हो रही है। एक्चुअली लोग जब आपको पसंद करते हैं या मशहूर होते हैं, तो उसका एक लाशौरी तौर पे आप पे प्रेशर और स्ट्रेस आना शुरू होता है। और ऑब्वियसली जब आप एक परफॉर्मेंस बेस्ड अगर आपकी जिंदगी हो और लोगों के लिए आप हाई ऑन एक्सपेक्टेशन हो, तो उन एक्सपेक्टेशंस को मीट करने के लिए आपका दिमाग जो है वो और जिस्म जो है एट टाइम्स उनमें एक डिस्कनेक्ट आ जाता है, एक डिस्पैरिटी आ जाती है, जिसकी वजह से कई दफ़ा आप नहीं कर पाते जो है प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते और फिर प्रेशर्स होते हैं। इसमें कतन हम एक्यूट फटीग सिंड्रोम की बात नहीं कर रहे, कतन हम क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम की बात नहीं कर रहे, हम बिल्कुल जनरलाइज्ड एंग्जाइटी डिसऑर्डर्स की बात नहीं कर रहे, एंग्जाइटी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि इसको हमने कंफ्यूज नहीं करना। अब अगर हम बाइपोलर डिसऑर्डर की बात करते हैं तो ये क्यों हो जाता है। एक तो अगर खानदान में या आपके दोस्तों अहबाब में किसी को हो, तो ऑब्वियसली इसका एक इम्पैक्ट होता है जहनी तौर पे आपके ऊपर। फिर ये ड्रग एडिक्शंस, अल्कोहल जो है डिपेंडेंस, ये भी एक बहुत बड़े फैक्टर्स हैं जो आपको बाइपोलर डिसऑर्डर की तरफ ले जाते हैं। जुनियाती तौर पे मुंतकली के बारे में ऑब्वियसली इसकी कुछ थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड डिटेल्स हैं जो हम शायद यहाँ पे मुनासिब नहीं है कि उनका तस्करा करें। नाउ इफ़ वी मूव अहेड और अगर हम इसमें और फैक्टर्स को देखें, तो जो वर्क स्ट्रेस है, फिजिकल स्ट्रेस है, वो आपका वर्कलोड जो एक्सेसिव वर्कलोड है, हाई एक्सपेक्टेशंस हैं, तो आपकी एनवायरनमेंट जो है वो आप पे फोकस्ड है और आप उनकी नज़रों में है, तो दीज फैक्टर्स दे कंट्रीब्यूट के एक इंडिविजुअल को बाइपोलर डिसऑर्डर हो जाए। इसके सिम्टम्स क्या होते हैं जी? इसके सिम्टम्स ये होते हैं कि इसमें हाइपोमेनिया होता है, मीनिया होता है, इसमें जो यूफोरिया होता है और इसमें डिप्रेशन होता है। अंडरलाइंग एंग्जाइटी कहीं आपको कईयों में मिलती है, कईयों में नहीं मिलती। आप जब हम हाइपोमेनिया की बात करते हैं, तो एट टाइम्स जो इंडिविजुअल है वो समझता है कि वो फुकल फितर सुपरमैन है एंड ही कैन डू एनीथिंग। हाई ऑन एनर्जी होता है, एनर्जी लेवल्स बहुत हाई होते हैं, सो मच सो कि थॉट प्रोसेस इतना तेज चल रहा होता है कि वो जंप कर रहा होता है फ्रॉम वन टॉपिक टू अनदर, और वो बोल रहा होता है, ज़्यादा बोल रहा होता है, ज़्यादा काम कर रहा होता है, एक्सेलेंस की तरफ जो है वो बिल्कुल फोकस्ड हुआ होता है। सो दैट इज वन स्टेट। फिर इसकी एक और स्टेट है जो मीनिया है, जिसमें कि बिल्कुल आप अनकंट्रोलेबल आपकी जो है पर्सनालिटी आपको लगती है, आपको जंपिंग सी पर्सनालिटी लगती है कि इधर से उधर, और एक रेस्टलेस किस्म का आपको एक इंडिविजुअल नजर आता है। एंड देन व्हेन वी टॉक अबाउट और जो हाइपोमेनिया है वो ऑब्वियसली दिनों में आप देखते हैं, और जो mania hai wo hafton mein mahino mein mohit ho jata hai. Again, if we get into the depressive part, iska jo depression hota hai bipolar disorder mein wo kafi tricky hota hai aur kafi serious repercussions uske aur consequences ho sakte hain, including suicidal tendencies, attempts to suicide. तो ये बेसिकली दीज आर द सिम्टम्स जो कि आपको नजर आते हैं. कई दफ़ा आप बहुत लो ऑन एनर्जी नज़र आते हैं. अगेन बाइपोलर डिसऑर्डर्स में कई दफ़ा फीलिंग ऑफ नथिंगनेस आप में आती है. आप ये महसूस करते हैं कि आप में सेल्फ पिटी आती है, आप में कईयों में आप में एग्रेशन आता है, आप होमिसाइडल होने की कोशिश करते हैं, बहुत एग्रेसिव बिहेवियर आपका हो जाता है, कई दफ़ा बहुत रिसेसिव बिहेवियर हो जाता है. तो ये फ्लक्चुएशंस चल रही होती हैं. नाउ इसका जहाँ तक जी ट्रीटमेंट की बात है, ऑब्वियसली मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर्स होते हैं. इसमें ये बहुत एहसास लोग होते हैं और दूसरे जो कमेंट कर रहे होते हैं उसमें जो जजमेंटल कमेंट्स आ रहे होते हैं वो भी इसमें प्रोवोकेशन करते हैं ऐसे मरीजों में, एंड दैट कैन लीड टू सीरियस कॉन्सिक्वेंसेस. तो उसमें आपको ऑब्वियसली इनकी डिटैचमेंट देखनी है कि एक ऐसी इन्वायरमेंट से जो कि हॉस्टाइल है और जो कि इनको ट्रिगर कर सकती है. साइकोलॉजिकल बैलेंस आपने प्रोवाइड करना है, साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट के साथ आपने ट्रीट करना है. यू हैव टू इंडल्ज इन कॉन्वर्सेशंस, यू हैव टू गेट इनसाइड दैट इंडिविजुअल एंड ट्राई टेकिंग आउट द बेस्ट. और उसके बाद आपने कॉन्फिडेंस रिपोज करना है. एंड देन बहुत सारी अद्वियात हैं, क्योंकि इसमें कुछ अद्वियात जो आप डिप्रेशन में देते हैं वो शायद आप बाइपोलर में इसलिए ना दे पाएं क्योंकि बहुत सारी ऐसी एंटी डिप्रेसेंट्स हैं जो कि सुसाइडल टेंडेंसीज कर देती हैं, यानी कि आपको खुदकशी के थॉट्स की तरफ ले जाती हैं. और ये बीमारी इटसेल्फ जो है उसमें ये एक फेज हो सकती है. इसमें डिप्रेशन को कैसे ट्रीट करना है, एंग्जाइटी पार्ट को कैसे ट्रीट करना है, ओवर एग्रेशन को कैसे ट्रीट करना है, और अपना लो एनर्जी लेवल्स और एक जो फीलिंग ऑफ नथिंगनेस है उसको कैसे ट्रीट करना है. तो इसमें कई पिल्स हैं अब जो कि मैं नाम नहीं लूँगा, और कॉम्बिनेशन थेरेपीज भी हैं, और ये इंटीग्रेटेड अप्रोच इसमें चाहिए होती है. इसमें सोशल अप्रोच चाहिए होती है. इसमें जो है पेशेंट डॉक्टर रिलेशनशिप आपके साइकियाट्रिस्ट के साथ बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, और आपको वर्कलोड मैनेजमेंट इसमें चाहिए होती है. इसमें इमोशनल एक्सचेंज आपको बहुत चाहिए होता है, आपको कॉन्फिडेंस देना है और आपको नॉर्मलसी की तरफ लेके आना है इस इंडिविजुअल को. क्या बाइपोलर जो पेशेंट्स होते हैं वो ठीक हो सकते हैं? दुनिया में बाइपोलर ऐसे भी पेशेंट्स गुजरे हैं जो ओवर प्रोडक्टिव थे और जिन्होंने नाम कमाया बिकॉज ऑफ देयर अंडरलाइंग बाइपोलरिटी, उसकी वजह से उन्होंने किया. सो आप बिल्कुल अगर एक बैलेंस ट्राई किया जाए, चाहे वो थेरेप्यूटिक या बायोकेमिकल तरीके से दवाइयाँ दे के बैलेंस क्रिएट किया जाए, या फिर जो है वो साइकोलॉजिकल एक इम्पैक्ट के साथ और साइकोथेरेपीज के साथ जो है इंडिविजुअल्स को राह रास्ते रखा जाए, दे कैन स्टिल बी द पार्ट ऑफ वंस मेन स्ट्रीम. होप के आपको बाइपोलर डिसऑर्डर्स के बारे में समझ आया होगा. और वो कहते हैं ना कि grass on the pasture on the other side is always greener, or grass is green on the other side, या फिर ये कहा जाता है कि दूर के ढोल सवाने. So it's not easy. अगर आपको फेम आता है और आप एक सेलिब्रिटी होते हैं, आप सक्सेसफुल होते हैं, तो सक्सेस हैज इट्स कॉस्ट. तो ये आपको कॉस्ट बेनिफिट रेशो भी देखना पड़ता है. आई होप यू अंडरस्टैंड, और शायद आपको कुछ समझ आया हो कि अब आप सुशांत सिंह राजपूत के बॉलीवुड के स्ट्रेसेस को, जिंदगी को देखें और फिर आप फील करें कि उस इंडिविजुअल पे क्या इम्पैक्ट था. अपना बहुत ख्याल रखें, इजाजत दीजिए, अल्लाह.